आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। हनुमान जी की 64 टन वजनी अनूठी प्रतिमा पहुंची अंता, दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। प्राप्त जानकारी अनुसार हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा भीलवाड़ा से प्रयागराज गंगा स्नान के लिए ले जाई जा रही है। इसी यात्रा के तहत यह प्रतिमा मंगलवार सायंकाल अंता पहुंची, जहां बमोरी बालाजी मंदिर के सामने पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। बमोरी चौराहे से बरखेड़ा चौराहे तक निकली विशालकाय प्रतिमा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जहां लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर हनुमान जी के जयकारों से पूरे अंता को गुंजायमान कर दिया। यात्रा के संयोजक भीलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी ने बताया कि यह विशाल प्रतिमा दौसा के सिकंदरा में एक ही लाल पत्थर से बनाई गई है। इसकी लंबाई 28 फीट, चौड़ाई 12 फीट है और इसका वजन 64 टन है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गंगा स्नान के लिए प्रतिमा को प्रयागराज संगम इलाहाबाद ले जाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि यह यात्रा 9 फरवरी को भीलवाड़ा से प्रारंभ हुई थी, जहां से काकरोली नाथद्वारा उदयपुर कोटा होते हुए अंता पहुंची है। यह पूरी यात्रा 2100 किलोमीटर की है और एक माह में पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक इस विशाल प्रतिमा को कहां प्रतिष्ठित किया जाएगा, इसकी जगह तय नहीं हो पाई है। इस हनुमान प्रतिमा दर्शन यात्रा का व्यापार संघ अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मीणा, धनराज चौरसिया, अजय मेहता सहित हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हनुमान जी एक ही शिला में बने हुए हैं, 28 फीट लंबे, 12 फीट चौड़े और 64 टन वजन है। हम लोग भीलवाड़ा से प्रयागराज इनको गंगा स्नान के लिए ले रहे हैं। स्थापना भी हनुमान जी का अभी पता नहीं है, अभी कहाँ हो जाए कहीं पता नहीं है, अभी हम ले जा रहे हैं। एक महीने का सफर है, जैसा 2100 किलोमीटर इस मूर्ति सिकंदरा में बने दौसा में। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।